हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे अगर आप लोगों के पास फायरबोल्ट की कोई भी स्मार्ट वॉच है बट यहां पर मैं फायरबोल्ट फोनिक्स स्मार्ट वॉच, यही मेरे पास फायरबोल्ट की फोनिक्स स्मार्ट वॉच, इसके अंदर मैं आप लोगों को लगाकर दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इसके अंदर वॉलपेपर लगा सकते हो। ये देखो, ये रही मेरे पास ये रही स्मार्ट वॉच और इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे वॉलपेपर्स तो पहले से देखने को मिलते हैं, बट आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फोटो लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेसेस लगा सकते हो, टाइम फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हो, ए टू जेड सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप लोगों का काम हो जाता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जाएगा ताकि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पे हमें अपना स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगा और आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फायरबोल्ट वाला, जो कि आप इसको स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, फायरबोल्ट का द फिट ऐप। और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है और आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ये द फिट ऐप। बिना इसके आप इसके अंदर वॉलपेपर नहीं सेट कर पाओगे अगर आपके पास कोई भी फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच है। तो अभी मैं फोनिक्स में करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये ऐप ओपन कर लेना है और कुछ ये ऐसा ओपन होता है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मेरी स्मार्ट वॉच में कोई भी वॉलपेपर नहीं लगा हुआ है, जो पहले से वॉलपेपर आते हैं वही लगे हुए हैं। ये देखिए, इसके अंदर जो पहले से वॉलपेपर आते हैं वही सब है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए मेरी स्मार्ट वॉच है कनेक्टेड यहाँ पे, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब आप लोगों को अपनी स्मार्ट वॉच को इस ऐप से कनेक्ट कर लेना है, डायरेक्टली बस जाना है ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देना है, बहुत ही सिंपल होता है वो आप लोगों को आता होगा, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देन यहाँ पर आप लोगों को वॉच फेसेस दिख रहे हैं बहुत सारे, ये देखो बहुत सारे वॉच फेसेस दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जाना है सबसे लास्ट में फेस गैलरी में। अगर आपको अपनी फोटो लगानी है तो यहाँ से फेस गैलरी में जाना और यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर इनमें से आप लगाना चाहते हो कोई अपनी फोटो लगाना चाहते हो तो कैसे लगा पाओगे, देखो आपको अपना लगाने के लिए सिंपली इधर जाना है और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है और ऐसे इधर साइड में जाना है, चूज फ्रॉम योर एल्बम पे करना है और यहाँ से आपको जो भी फोटो अच्छी लगे वो आप अपने गैलरी से सेट कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को लगाकर दिखाता हूँ, ये वाली फोटो वॉलपेपर पे लगाने वाला हूँ। जस्ट मुझे सिलेक्ट कर लेना है और टिक कर देना है। यहाँ पर टाइम की पोजीशन ऊपर रखना चाहता हूँ, जैसे मेरे फेस पर आ रही है तो मैं इसे बिलो कर देता हूँ तो ये नीचे आ जाएगी। और यहाँ से बाकी सारी चीजें, आप टेक्स्ट का कलर क्या चाहते हो, टाइम का क्या कलर चाहते हो, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, कोई भी कलर चूज कर सकते हो। देन सेव कर देना है। अब देखो यहाँ पर सेट हो रहा है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर वॉलपेपर लग चुका है और ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वॉलपेपर लग चुका है और ये रहा। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर जो वॉलपेपर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वॉलपेपर लग चुका है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे वॉलपेपर्स लगा सकते हो। अभी आप लोगों ने जैसे यहाँ पे लगाया तो एडिट पे जाकर आप लोग सारे वॉलपेपर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेसेस को ट्राई कर सकते हो और लगा सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर अदर में जाकर आप वो सब चीज़ें चेंज कर पाओगे कि टाइम का फॉर्मेट 24 आवर्स में हो, कैसे हो, वो सारी चीज़ें आप अदर्स में जाकर चेंज कर सकते हो, मेनली यहाँ पर अदर्स में जाके। प्लीज़ अगर आपका वॉलपेपर लग गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि 20,000 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो जाएं।